So, hello friends, how are you all? I hope you all are fine. And आज मैं आपके सामने एक न्यू व्लॉग लेकर आया हूँ. तो मेरा मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि लाइक यार किसी को रोस्ट करना है, कुछ करना है. बट मुझे ना एक चीज़ बहुत गलत लगी है यार, कि जो चल रहा है. कहते हैं ना आजकल तो इंदौर में इंदौरी इश्क जो सीरीज है वो इतनी फेमस नहीं रही जितने वहाँ के रवि चौधरी जी फेमस हो गए हैं. दिखाते हैं आपको. अब मैं पहले बताता हूँ कि यार सीन क्या रहा है. अब मोस्टली ये बंदा क्या करता है, ठीक है, किसी भी स्कूलों में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है ना, किसी बच्चे से रिलेटेड, किसी टीचर ने बच्चे को कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, बंदा खुद उठ के चला जाता है, ठीक है, अपने साथ बंदे ले जाता है, ठीक है, वहाँ पे टीचर को धमकाता है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, फलाना ढिमकाना एंड ऑल वगैरह. भाई बच्चे जो आजकल के हैं ना, क्या ही कहूँ क्या कर रखा है टीचर के साथ. ठीक है, मैं ये नहीं कहता कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बट ठीक है, अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है उनके पेरेंट्स हैं यार करने के लिए, ठीक है. दूसरा, अगर पेरेंट्स की भी नहीं सुनी जाती पुलिस से करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स की सुन ली जाती है. मैं खुद टीचर हूँ, अपने बिहाफ पे मैं जानता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है. सो पहले ना आप इसकी वीडियो देखिए जरा, मैं आप कुछ बच्चों को वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए जरा. तो क्या बात रखी आपकी, आप लोगों की क्या बात रखी स्कूल में? तो हमने बोला है सुधांशु सर को रेस्टिगेट करवाए। आपकी जो प्रिंसिपल मैडम है हाँ। उन्होंने जो सर रेस्टिगेट कर दिया है। तो और एक मैम है उसको चाटा मारा है, तो ये 5 चाटा मारे। तो हम जाके हमने ऐसा बताया ना शैलेंद्र को, तो उनने इनको चाटे मारे। क्या करा आपके साथ? सर मैं ऊपर गया था तो बैग लेने, तो मैं जय श्री राम का नारा चिल्ला दिया, तो मेरे दो हाथ पकड़ के 5-6 चाटे मारते, और ये सर दीवार में ठोक दिया। क्या हुआ था फिर उसके बाद? कुछ नहीं, मैंने नीचे मैं आके गया भाग के, मैंने फिर शैलेंद्र को बताया, शैलेंद्र ने आया फिर प्रिंसिपल मैम, फिर उस मैडम को रेस्टिगेट करा प्रिंसिपल मैम। क्या चाहते हो बेटा? आप चाहते हैं कि वो उनको ऊपर कार्यवाही हो। ठीक है, क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। यस, ये वीडियो देखी है आपने? और भाई सीरियसली मुझे हंसी आ रही है. ठीक है, ये बच्चा जो कह रहा है कि टीचर पे कार्रवाई करो, कुछ करो, ये वो ब्ला ब्ला. भाई अगर टीचर पे कार्रवाई कुछ करवानी थी तो ठीक है, आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते ना, पहले ही बंदे को बीच में डाल रहे हो. ठीक है, ये पता नहीं क्या कर रहा है यूट्यूब के व्यूज के लिए एंड ऑल के लिए. ठीक है, तो ये बंदा पहले बुलाते हैं, ठीक है, जब अपनी चोरबाजी करता है स्कूल में जाके, उसके बाद कहते हैं कि ठीक है बच्चों को माइंड देखो कैसे उसने वॉश कर रखा है, कि आप ये सब बोलिए. देन बच्चों के वर्डिंग देखिए यार, अब बच्चों के वर्डिंग्स ही नहीं है वो. देन आप इसकी वीडियोस देख रहे हो कोई भी उठा के, वहां पर कमेंट्स पता है क्या आ रहे हैं कि भैया प्लीज आप हमारे स्कूल में आइए, हमें टीचर परेशान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. भाई एज ए टीचर ना मैं बताता हूँ, कोई टीचर ना कभी कुछ भी सोच के नहीं जाता कि आज मैंने इस बच्चे को टारगेट करना है, आज मैंने ये करना है वो करना है. ठीक है, बच्चा ठीक है, पूरी क्लास आराम से बैठी होगी सर कॉरिडोर के अंदर, बच्चा नारे लगा रहा है जय श्री राम, तो ठीक है यार अच्छी बात है. अगर आपको ये सब करना है आप मंदिर में चले जाओ, अगर आपको ज्यादा अपनी श्रद्धा भक्ति दिखानी है आप मन से भगवान को याद कर लो. आप एक कॉरिडोर के अंदर ठीक है श्री राम जी के नारे लगा रहे हो, ठीक है, पूरे चिल्ला के, स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? रूल एंड रेगुलेशन थोड़े बहुत, ये नहीं कि स्कूल प्रेशर है. और अगर उस पर टीचर ने कुछ रिएक्ट कर दिया, कह रहा आपने बच्चों को कैसे रोका जय श्री राम के नारे लगाने से, भाई रोका नहीं है, वो मिसबिहेव कर रहा है, पूरे कॉरिडोर आराम से बैठा और एक बच्चा चिल्ला के बोल रहा है. अगर उसको कुछ समझा रहे हैं तो यार क्या कर रहे हो यार आप. मेरी कोई रवि चौधरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, रवि चौधरी भाई तू तो कभी स्कूल गया है या नहीं गया है? क्या तुझे मास्टर ने कभी, टीचर ने कभी थप्पड़ नहीं लगाया उस समय के टाइम पे? भाई हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर जितने भी बच्चे पढ़े हैं, ठीक है, हम सब सब टीचर की मार खाई है, सब कुछ करा है, बट हमें पता है टीचर का भी गलत नहीं होता था. एंड इफ बाई चांस चलो मार भी दिया, ठीक है, क्या तुम्हारा कान टूट गया या बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी कुछ होगी? भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ टीचर गलत के लिए नहीं मारता. हाँ इस चीज के मैं फिर अगेंस्ट हूँ कि मारना अलाउड नहीं है, सीबीएसई के भी रूल्स है, सब कुछ है, आप बच्चे को मार नहीं सकते हो, समझा सकते हो, वहां मैं कहूंगा कि हाँ टीचर ने गलत करा मारा, बट अगर टीचर उनको समझा भी रहा है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है, ऐसे नारे लगाने, भाई उसमें गलत क्या है, समझाने भी गलत हो गया है, आप सब जा रहे हो, ठीक है, और बाद में क्या है, ठीक है, कि भाई ये बंदा ऐसी ऐसी वीडियो डालता है कि मैं अपने घर से लेटर लिख के लाऊंगा और स्कूल को बंद करवा दूंगा. तो ये एग्जाम कैंसिल होगी कल, मैं यहाँ नोटिस लगा दूंगा बाहर, मेरा घर से नोटिस लिख के ले आऊंगा मैं, यहाँ एक भी एग्जाम बच्चा नहीं देगा. भाई घर का राज है क्या, कुछ भी करवा देगा. सो एक वीडियो आप इसकी और देखिए जरा. आज देखिए छात्र ने जब आज डीएयू में हमारी छात्रों की मांग को लेकर हमने प्रदर्शन किया, तो आप देखिए पुलिस ने हम पर लाठियां बरसाई. ये देखिए मुझे, ये देखिए इसके इधर देखिए, छाती पे लाठियां बरसाई है, छाती पे डंडे को लाठी के 56 डंडे मारे छाती पे. तानाशाही कब तक चलेगी, आखिर छात्र कब तक दबकर रहेगा? ये पूरे प्रदेश भर के छात्र, हजारों छात्र आज आपके सामने देखिए, युवा देखिए,
ये छात्र देश का भविष्य हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन जब छात्र अपनी मांग को लेकर सरकार से गुजारिश करता है तो उसके साथ में आप देखिए कैसे लट बरसाई जाती है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आपके कानून को ऐसा सुधारिए। सो देन भाई गए हैं पुलिस ने इसके बस लगा दिए। सही करो, बहुत सही करा भाई। आप खुद लो सिखा रहे हो, ठीक है। जब लोग बन चुका है ना, आप पुलिस के हेल्प लीजिए, ठीक है। आप खुद ही जाके चल रहे हो कि हाँ मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। भाई हेल्प करने के लिए पुलिस को ऊपर रखा गया, सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम के अकॉर्डिंग आप भी चल लो। तो देन ये क्या है भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान वाले लोग, कुछ मुस्लिम, ठीक है, ये सिखाते हैं पाकिस्तान के लोग जो वहाँ की कुरान होती है गलत तरह से पढ़वा देते हैं कि आप ऐसा करो तुम्हें जन्नत नसीब होगी। तो भाई वही काम ना आप इंडिया में रह के कर रहे हो, स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर होता है ना सारा स्पॉइल कर रहे हो अभी से ही कि हाँ टीचर ऐसे कैसे बोल सकता है, कुछ कर सकता है। भाई स्टूडेंट्स को और शाय मिल रखी है आपके इंदौर में, बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपको हमारे स्कूल में आ जाओ, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे टीचर हमें डांटते हैं। भाई डांटना कोई बहुत बड़ी बात है, मतलब समझाना भी गलत है। टीचर ना बच्चे का भविष्य निखारते हैं, ठीक है, और पूरा फोकस करते हैं। और कहा भी जाता है कि जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं ना वो टीचर्स होते हैं, और भाई आप उनकी लगाने भी लगे हो। भाई शेम ऑन यू भाई, सीरियसली ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने। और भाई अगर ये बात है ना तो भाई आप धीरे धीरे करके ना, जैसे आप अपनी वीडियो भेज रहे हो सकता है हमारे यहाँ के कुछ बच्चे भी इंस्पायर हो जाए कि बंदा ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, हमारी हेल्प के लिए आना चाहिए। पर ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए निकाल रहा हूँ कि भाई रहने दे मत कर, मुझे लग रहा भाई तू स्कूल ही नहीं गया कि आई मीन टू से कि लाइक अगर तू गया भी होगा ना तो मुझे लगता है ढंग से वहां पे रहा होगा। क्या मतलब कर क्या रहा है यार ये, तुझे समझाना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, ठीक है, टीचर्स जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, ठीक है, और आपके दूसरे पेरेंट्स होते हैं आपकी हेल्प के लिए, आपको डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं डांट रहे हैं, हाँ कुछ गलत करते हो उसकी पुलिस पे कंप्लेंट करो। ये नहीं खुद उठ के आ जाओ वहाँ पे दादागिरी दिखाओ कि मैं स्कूल बंद करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैंने घर से पर्चा ले आऊंगा, मैं यहाँ पर अभी स्ट्राइक कर दूंगा बच्चों के साथ बैठ के। ये भाई क्या है ये। चल ठीक है भाई, तेरे को लगता है कि तूने बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे एक चीज़ बता दे कि भाई कितने गरीब बच्चों को आज तक तूने स्कूल में डाला है। ये भी पॉइंट है भाई, करना है तो गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ ना। मैं कहता हूँ 10, 50, 100 बच्चे कुछ इकट्ठे करो स्कूल में पढ़ाओ उनको, तब अच्छा लगेगा आपको कि आप अच्छा काम कर रहे हो। ये क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई उनकी पढ़ाई खराब करने जा रहे हो आप। उनके पेरेंट्स हैं उन्हें संभालने के लिए, ऊपर एक लॉ है, पुलिस है। सो भाई इन द एंड मैं यही कहना चाहता हूं भाई, बच्चों का ना फ्यूचर बर्बाद मत करो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनके फ्यूचर के साथ मत खेलो। और स्टूडेंट्स आप भी इसकी बातों में ना आए तो ज्यादा बेटर होगा, अपनी फैमिली फोकस रखो, अपने आप पे फोकस रखो। अगर इन सब चक्करों में पड़ गए ना भाई तो बस पता नहीं क्या हाल होगा। और एक चीज और देखिए जरा, सर आप शिक्षक हैं, ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन आपको मारने की इजाजत है, आपका बच्चा है, लेकिन ऐसा मारो कि आंख में से खून आ रहा है, आंख है तेरा झापट, आप सड़क मार रहे बच्चे को, तो ये किसने बोला आपको मारने का, ऐसा किसने बोला? खून नहीं बाकी सर, आंख से पूरे लाल हो गए, राज आने के आंख से पूरे लाल और आंसू आने लगते हैं। भाई ये बच्चे की वीडियो देखी आपने, ये कर क्या रहा है ये, लाइक इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि भाई ये क्या ही बताओ, कितना बोल रहा है ये, कितना ऐसे करा वैसे करा। भाई नेक्स्ट लेवल की हवा ले गया बच्चा। सो इसके पेरेंट्स ने भी देखा होगा, तो भाई ऐसी बात है अपने बच्चों को संभाल लो, ये जो दूसरे बंदों से इंस्पायर हो रहे हैं ना पूरी लाइफ खराब कर देंगे इसकी। ये अभी शायद यहाँ तक है, हो सकता है आगे जाके पता नहीं ये बच्चा क्या फॉलो कर ले क्या ना कर ले। सो बेटर है ये स्कूल तक है, सो स्कूल तक ही रखो, पढ़ाई पर जोर दो और इस पर ध्यान दे लो ताकि थोड़ा ये हल्का बहुत डिसिप्लिन में रह सके। एंड यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि यार ठीक है ये मैंने गलत करा, गलत कंटेंट पे वीडियो बनाई है, मैं गलत बोल रहा हूँ बच्चों के लिए, टीचर के लिए, किसी के लिए भी, तो यार नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना। मुझे पता है इस बार नेगेटिव कमेंट भी जरूर आने वाले हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी बस मैंने यही चाहे यार कि बच्चे का ध्यान रखने के लिए उसके पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, हैं टीचर्स हैं, ठीक है, स्कूल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं,
तो किसी हमें ऐसे पर्सन की नीड नहीं है जो कि बहुत बाहर का हो, लो हैं, पुलिस हैं, सब कुछ है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आइए और करिए। यस, नेगेटिव कमेंट ऑल्सो मोस्ट वेलकम, आने वाले हैं, कमऑन कमऑन कमऑन, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मैं देखूँ तो सही कि यार मैं सही सोचता हूँ या गलत सोचता हूँ, देखते हैं आप सबकी मेंटालिटी का भी। कमऑन, इन दैट मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मोटिव किसी को हर्ट करने का नहीं था, ना ही किसी को टारगेट करने का था, बस यार जो सही लगा मैंने बना दिया, बस मुझे गलत लग रहा था, देन चलो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव। Oh, 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 oh